हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर आई डिजाइन के अंदर आपका स्वागत है। तो आज हम आपके सामने लेके आए होंडा डियो। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि होंडा कंपनी इसमें अपने क्या कुछ दे देती है, क्या इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, और ये जो आप न्यू डिजाइन लाइट देख रहे हो या अपनी हेडलाइट, इन चीज के बारे में भी आपसे सभी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। स्मार्ट की भी आज के टाइम में इसके अंदर आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको की दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से अपने को की मिलती है, जैसे अपनी फोर व्हीलर की मिलती है उसी तरीके से अपने को होंडा डियो की भी की मिल जाती है। तो इस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे, उसके अलावा अपने इंस्ट्रूमेंट टेस्टर की भी बात करेंगे, उसके अलावा डायडो के अंदर क्या कुछ फीचर दिया गया है उस चीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ फ्रंट से। तो बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट के अंदर अपने को LED हेडलाइट मिल जाती है। हाई बीम एंड लो बीम आपको दिखा देता हूँ। उसी के साथ साथ नॉर्मल अपने को इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये अपना DRL हो गया, यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर नियॉन कलर के अंदर और व्हाइट कलर के अंदर ग्राफिक मिल जाते हैं। 120 की ब्रांडिंग मिल जाती है। इंजन की भी बात करेंगे। उसके अलावा 90/12 का अपने को ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। C8 का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। और बात करेंगे एलॉय व्हील डिजाइन की, तो कुछ इस प्रकार के अपने को एलॉय व्हील मिल जाती है। इसके अलावा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रिफ्लेक्टर। इसके अलावा अपन बात करें साइड लुक की, तो कुछ इस प्रकार की निकल के आती है साइड के अंदर। आगे बात करें तो इसके अंदर अपने को साइड स्टैंड मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हो गई होंडा की ब्रांडिंग। बात करेंगे रियर लुक की, तो रियर के अंदर अपने को यहाँ पर DO H Smart की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये अपना ग्राफिक हो गया, ESP की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये अपना रियर फुटरेस्ट हो गया, जो कि आप देख सकते हो। किक वगैरह का इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता। साइड स्टैंड एंड मैन स्टैंड दोनों अपने को मिल जाते हैं। बात करेंगे इंजन की, तो 123 cc का BS6 सेकेंड फेस इंजन मिल जाता है, जो कि अपने को एयर कूल्ड इंजन मिलता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर अपने को 8 BHP की पावर मिल जाती है। बात करेंगे माइलेज की, तो 40 से 45 तक का अपने को आराम से इसमें माइलेज मिल जाता है। बात करेंगे रियर टायर की, तो रियर के अंदर अपने को 90/100R10 का टायर मिलता है। इसके अलावा हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है रियर के अंदर। और बात करेंगे रियर टेल लाइट की, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार की अपने को रियर के अंदर टेल लाइट मिल जाती है। ये अपना इंडिकेटर हो गया, ये टेल लाइट नॉर्मल, यहाँ पर अपने इंडिकेटर। ये अपने को कार्बन फाइबर की फिनिशिंग मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पर कार्बन फाइबर की फिनिशिंग, ये नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। और ये हो गया अपना पेट्रोल टैंक, जो कि अपने को लगभग 5 लीटर का पेट्रोल टैंक इसके अंदर मिल जाता है, जो कि मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से अपने को पेट्रोल टैंक मिलता है, जैसा कि अपने को मिलता है अपनी एक्टिवा में। उसके अलावा बात करेंगे अपन सीट की, तो कुछ इस प्रकार की अपने को सीट मिल जाती है, जिसके अंदर यहाँ पर अपने को टूल वगैरह मिल जाते हैं। ये अपने हेलमेट के लिए जगह, ये अपने कोई बुक वगैरह या कुछ पेपर वगैरह के लिए, यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाता है। और ये वाला स्पेस बिल्कुल खाली दे रखा है। इसके अलावा इस साइड की बात करें, तो यहाँ पर भी अपने को सेम ग्राफिक मिलते हैं। E20 की ब्रांडिंग मिल जाती है। और एलॉय व्हील आप देख सकते हो, रियर का एलॉय व्हील कुछ इस तरीके का मिलता है। और ये साइलेंसर के ऊपर इस तरीके का अपने को प्लेट मिल जाती है, जो कि मेटल की प्लेट रहने वाली है। इसके ऊपर फाइबर रहता है। यहाँ पर अपना इंजन दिया गया है, ये अपना फुटरेस्ट हो गया। उसके अलावा इस साइड भी अपने को होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उसी के साथ साथ इसके अंदर अपने को क्या और स्पेस मिल जाता है। तो एक स्पेस अपने को यहाँ पर दिया हुआ है, ये 3 kg तक का स्पेस। और यहाँ पर मिल जाता है एक 3 से 5 kg तक का स्पेस। उसके अलावा अपन बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो कुछ इस प्रकार की अपने को मिलती है, 2 की मिल जाती है। और यहाँ पर ये ओपन करने के हिसाब से मिलती है, इसको ओपन करके अपन सीट वगैरह ओपन कर सकते हैं। इसको एक बार प्रेस करना है, उसके बाद में इसको दबाना है और ये अनलॉक हो जाएगी, या फिर आप दूर से जैसे इसके पास में आओगे ये ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। इसके अलावा आगे बात करते हैं, स्टीयरिंग अनलॉक हो गया, उसी के साथ साथ में ये हो गया फ्यूल और सीट को ओपन करने के लिए। उससे आगे आप चलाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन, जिसके अंदर अपने को साइड स्टैंड के लिए दे रखा है, इंडिकेटर के लिए, उसी के साथ साथ इको पावर मोड, यहाँ पर मिल जाती है अपने को इंजन लाइट, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। उसी के साथ साथ ये अपना सेल्फ का भी बटन है। उसके अलावा बात करेंगे की डिटेक्शन का स्विच मिल जाता है, अपने हेडलाइट के लिए स्विच मिल जाता है। ये यहाँ पर अपने को RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल, टाइमिंग और ये जो टोटल रनिंग है ऑडोमीटर, इसका यहाँ पर मिलता है। उसी के साथ साथ अपन बात करेंगे तो ट्रिप भी मिल जाती है इसके अंदर, और माइलेज भी मिल जाता है, एवरेज माइलेज, रेंज कितनी रह रही है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने को पियानो ब्लैक के अंदर दी गई है, यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये कुछ ग्राफिक दे रखा है, क्योंकि कार्बन फाइबर का
टेक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार के अपने को इसमें मिरर मिल जाते हैं और ये अपना एक्सीलेटर वगैरह। तो मैं एक बार गाड़ी को ऑन करता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। हाई बीम लो बीम के साथ में यहाँ पर अपने को पासिंग का स्विच भी मिलता है। तो बिल्कुल साइलेंट तरीके से गाड़ी स्टार्ट होती है और बिल्कुल साइलेंट इंजन इसके अंदर अपने को मिलता है, जो कि बिल्कुल साइलेंट रहता है, कोई सरफ वगैरह की कोई आवाज़ नहीं आती। उसी के साथ साथ सेकंड चीज़ ये है कि अभी इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी ऑन नहीं हो रही है। तो इन सभी चीज़ के बाद में अपन बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइसिंग की। तो ये इसका टॉप एंड वेरियंट है जो कि एच स्मार्ट के नाम से अपने को मिलता है। इसके अलावा इसका स्टैंडर्ड वेरियंट भी है। तो इस टॉप एंड वेरियंट की अपन बात करें तो ये अपने को ऑन रोड पड़ता है लगभग 1,11,000 रुपये। इसके अलावा हम बात करें एक्स शोरूम की तो ये अपने को मिलता है लगभग 94,000 रुपये का एक्स शोरूम। तो ये हमारे आपको जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। बाकी मैं थैंक्स करना चाहूँगा एडवांस होंडा का जो कि अपने जयपुर वैशाली नगर के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पर आप होंडा की सभी प्रकार की बाइक्स एंड स्कूटर देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने होंडा के बंदे का भी नंबर डालूंगा जिनसे आप बात करके कोई भी गाड़ी की आप जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा एडवांस होंडा में आके आप कोई भी गाड़ी परचेस कर सकते हो। इसके साथ साथ दिवाली पर कई ऑफर वगैरह चलते रहते हैं तो वो भी आप जरूर देखें। तो ये हमारे आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। बाकी इस वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।